हेलो मित्रों, नमस्कार। दादा दादी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च। तो 250 ग्राम हमने शिमला मिर्च ली है और एक पैकेट शिमला मिर्च और न्यूट्री, एक पैकेट हमने न्यूट्री का लिया है। उसको उबाल के इनको छोटे पीस कर लिए है और एक दो प्याज हमने लिए हैं, चॉप कर लिए है और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है और टमाटर, दो टमाटर हमने जो है पेस्ट बना लिया दो टमाटरों। और अब हम चलते हैं गैस पे, चल के इसको तैयार करेंगे। तो आज हम मेहनत तो करना है कैमरा, आज हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई के अंदर शिमला मिर्च और न्यूट्री की सब्जी। इसके ऊपर इसका अच्छा टेस्ट बनता है। अब हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल, डाल दिया हमने कढ़ाई में। दो चम्मच ऑयल डाला है, तेल को हम जल गर्म होने देंगे इसको अच्छी तरह से। जल जाएगा तो हम इसमें सब मसाला तैयार करेंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। मसाला बनाने के लिए प्याज को हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें मसाले डालेंगे। फिर अब हम इसके अंदर रोजाना काम में आने वाले मसाले डालेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी हमने नहीं डालना। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना। कम मसालों में जो सब्जी स्वाद बनती है, अगर सब्जी का टेस्ट लेता है तो कम मसालों का इस्तेमाल कीजिए, उसी के अंदर ही उसका असली टेस्ट आएगा। जितने आप ज़्यादा मसाले डालेंगे मसालों का ही स्वाद आएगा, सब्जी का असली मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो प्याज वाले हल्के से ब्राउन हुए हैं, थोड़ा और करेंगे इनको, उसके बाद में मसाला डालेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है एक चम्मच धनिया, घर का पिसा हुआ धनिया है। ये एक छोटा चम्मच हल्दी, ये थोड़ी सी लाल मिर्च, मिर्च बहुत तेज होती है इसलिए हम कम डालते हैं। एक चम्मच छोटी नमक, अब हमने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हम इसमें हमेशा बाद में डालते हैं, थोड़े प्याज ब्राउन होने के बाद, तभी इसका असली टेस्ट अच्छा निकल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाले जल न जाए। अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर,
चॉप किए हुए, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बना के बताएंगे, लेकिन टेस्ट में बाजार की न्यूट्री वही फेल करेगी। इसको हम थोड़ा 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे न्यूट्री। तो मसाला हमारा भून गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे न्यूट्री। पहले न्यूट्री को 5 मिनट के लिए इसमें डाल के भूनेंगे। न्यूट्री हमने इसमें डाल दिया, अब 5-10 मिनट हम न्यूट्री को अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। न्यूट्री को भूनते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें अंदर डालेंगे शिमला मिर्च और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पाँच सात मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अभी लोहे की कढ़ाई में बनाने का इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट के लिए पकड़े देंगे। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, न्यूट्री भी गल गई है और शिमला मिर्च भी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये घर का कुटा हुआ गरम मसाला है, इसकी रेसिपी हम आपको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या डाल के बनाना होता है। बहुत ही स्वादिष्ट गरम मसाला खुशबूदार बनता है। ये 6 महीने तक भी पड़ा रहे एयरटाइट डब्बे में तो इसकी खुशबू नहीं जाती। तो सब्जी न्यूट्री की शिमला मिर्च की बन चुकी है और अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए क्या शानदार सब्जी बनी है।